हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको टेम्परेरी स्टिचिंग बताएंगे। सबसे पहले हम 5x5 का एक सैंपल लेंगे। ये देखिए, इसमें हमने 5x5 का पहले एक निशान लगा लेंगे। ये हम चौक से हमने एक सीधी लाइन खींच ली, ठीक है। ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि यहाँ तक, ठीक। अब ऐसे ही हम इधर भी 5 इंच पे, क्योंकि ये इधर हमारा ये अर्ज का कपड़ा है, ये अपने आप यानी सीधा है, तो इधर हमें सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस यहाँ पे ये 5 इंच पे निशान लगाना है। इसके बाद हम इधर ये 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये जो साइज़ है, ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, जितना भी बड़ा आपको सैंपल बनाना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। हम तो एक आपको सिखाने के लिए बस 5x5 का सैंपल, मतलब एक साइज बना दे रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको कटिंग कर लेंगे एकदम बराबर से। इसी तरह से आप इसको इधर से और इधर से कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा 5x5 का सैंपल तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमको इसको ऐसे बराबर से मोड़ना है, क्योंकि ये हमारा कॉटन का कपड़ा है, इसलिए ये हमारा इसी तरह से मुड़ जाएगा। इसको हम चाहे तो प्रेस करके मोड़ सकते हैं, ठीक है। हम इसको इसलिए फोल्ड कर रहे हैं ताकि हमें एक इसमें एक आइडिया लग जाए कि हमारा निशान किधर, मतलब लाइन ये किधर पड़ रही है, ठीक है, कितनी चौड़ी ये आ रही है, ताकि जब हम इसमें टाके लगाएँ तो ये एकदम बराबर आए। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से, देखिए इस तरह से आ रहा है। अगर ये आप ऐसे बराबर नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रेस किए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये हमने प्रेस करके मोड़ दिया है, इससे ये जो है चारों तरफ से ये बराबर हो गया है। अब हमें क्या करना है, वैसे तो हम अगर हम इस समय हम आपको टेम्परेरी स्टिचिंग के बारे में बताएंगे, यानी कि जो आप सिलाई यूज़ करने के बाद हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम अभी हम जो है 3 स्टिच के बारे में आपको बताएंगे। एक तो होता है कच्चा, दूसरा टेढ़ा कच्चा और तीसरा थ्रेड मार्कर, ठीक है। तो पहले हम आपको कच्चा बताएंगे। कच्चा आमतौर पे वहाँ यूज़ किया जाता है जैसे हमें कभी भी 2 कपड़े जोड़ने हैं जहाँ पे हमें पक्की सिलाई लगानी है, तो हमने फटाफट उसमें कच्चा लगा के उसको तैयार कर लिया और उसके बाद ईजिली हम मशीन पर बैठ के आराम से उसमें हम परमानेंट स्टिच यानी मशीन की सिलाई लगा देंगे और बाद में उसको हम खींच के निकाल देंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले सुई में धागा लेते हैं। सबसे पहले हम आपको कच्चा टाका बताएंगे, ठीक है। इसके लिए हम ये देखिए, जहाँ पे ये कपड़ा फोल्ड हुआ है, ये देखिए इस तरह से, यहाँ एकदम कॉर्नर में हम सुई डालेंगे। ये कच्चा आपका ये चीज़ कहलाती है। ये देखिए, इसमें बराबर टाके लिए जाते हैं। जो टाका आपका इधर से जा रहा है वही टाका आपका पीछे भी आएगा, सेम टू सेम। ये जो है चुन्नट वगैरह डालने के लिए भी यूज़ किया जाता है और 2 कपड़ों को आपस में जोड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। चुन्नट डालने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसे डाल के इसके बाद इसको खींच देते हैं। तो जब खींचेंगे, अभी हम आपको इसको दिखा देंगे, पहले आप इसको सीख लीजिए बनाया कैसे जाता है। इसके लिए देखिए, ये हमने धागा डाला इसमें कपड़े पर। अब हम जितना टाका हम ऊपर ले रहे हैं उतने ही टाका हम नीचे लेंगे। ये देखिए, जितना बड़ा हमने ये इधर यूँ ऐसे डालेंगे और पीछे की तरफ भी हम इसको उसी सीधी लाइन में ऐसे बाहर निकाल देंगे। फिर हम इसको ऐसे डालेंगे और इसको ऐसे बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये टाका आएगा, ठीक है। फिर ये हम यूँ ऐसे डालेंगे और उसी सीधी लाइन में बाहर निकाल देंगे, लेकिन ये आपका, ये देखिए, ये एकदम किनारे होना चाहिए। ये नहीं कि इसके बाद हमारा कपड़ा बचा हो जो आप फिर से फोल्ड हो सके, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये देखिए कितना किनारे, देखिए हमने किया ऐसे ही, आपको किनारे करना है। इसी तरह से हम ये लाइन पूरी कर लेंगे तो ये हमारा
कच्चे टाके की लाइन पूरी हो जाएगी। ये आप छोटा बड़ा अपने यूज के अनुसार से कर सकते हैं। अगर आपको चुन्नट छोटी बड़ी डालनी है तो आप उसमें बड़ा बड़ा टाका भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये डालते हैं। ये जब आप पूरा बनाएंगे तो ये आपका पूरा बन के इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसको बोलते हैं कच्चा टाका। ठीक है, जब चुन्नट डालनी होती है तो हम क्या करते हैं, इसी को ही खींच लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी चुन्नट पड़ जाती है। जितने आप बराबर डालेंगे उतनी ही इसमें चुन्नट बराबर पड़ेगी। इसके बाद हम अब आपको दूसरा टाका बताएंगे। अब हम आपको दूसरा टाका बताएंगे, टेढ़ा कच्चा। टेढ़ा कच्चा के लिए हम ये देखिए इसमें एक जगह सुई डालेंगे और इसको तिरछा, जैसे कि नाम से ये समझ में आ रहा है टेढ़ा है। ठीक, इस तरह से ये देखिए ये हमने यहाँ डाला इसके डायगोनल शेप में। ठीक है, ये यहाँ पे हम सुई ऐसे डालेंगे लेकिन पीछे की तरफ हम सीधा निकालेंगे, यानी कि वर्टिकल लाइन में। इस तरह से ये देखिए ये कैसे आएगा, इधर एकदम स्ट्रेट। अब हम इसको खींच देंगे, ये देखिए तिरछा आ रहा है ये इधर। इसी तरह से फिर हम इसमें तिरछा डालेंगे और पीछे की तरफ सीधा निकालेंगे। ये देखिए पीछे पीछे यानी आपकी वर्टिकल लाइन आएगी। ठीक है, आगे आपकी डायगोनल लाइन आएंगी और पीछे आपकी वर्टिकल लाइन आएगी। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए ऐसे तिरछे तिरछे और ये पीछे की तरफ सीधा सीधा टाका आएगा, यानी स्ट्रेट लाइन आएंगी, जैसे पैरेलल लाइन होती उस तरह से। कभी भी हाथ से जब काम करिएगा तो बहुत लंबा धागा सुई में मत डाला करिए, उससे क्या है धागा धागों में आपस में फंस के गांठ पड़ जाती है। तो ना बहुत छोटा धागा और ना बहुत लंबा धागा, नॉर्मल धागा लीजिए, मतलब कि लगभग 12 इंच 13 इंच लंबा धागा लीजिए तो आपका ये इस तरह से देखिए टेढ़ा कच्चा आपको दिख रहा है। ये देखिए कितना सुंदर टेढ़ा कच्चा आ रहा है। ऐसे ही आपको पूरे लाइन में बनाना है और पीछे ये देखिए ऐसे सीधा वर्टिकल लाइन में आएगा। ये हो गया आपका टेढ़ा कच्चा। इसका यूज़ ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे हमें दो कच्चे लाइन बनानी है, जो आपने ये कच्ची लाइन अभी बनाई थी इस तरह की डबल लाइन बनानी है। तो उसके लिए या तो हम अलग अलग दो लाइन बनाएं या एक साथ इस तरह से बना लें। इसका यूज़ जहाँ पे मशीन नहीं चलती है ऐसे कंबल वगैरह पे और हमें उसके किनारे मोड़ने हैं तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आप पूरी लाइन ऐसे ये बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारी पूरी लाइन बन गई टेढ़े कच्चे की और ये पीछे से ये देखिए ये इधर से ये पूरा वर्टिकल लाइन आ रही है। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि ये सारी लाइन जो है एकदम बराबर आए। फिर भी अगर आपकी नहीं आ रही है और लास्ट में हम ये देखिए गांठ बांध देंगे ताकि ये खुले ना, फिर भी अगर आपकी बराबर नहीं आ रही है तो आप स्केल और पेन का यूज़ कर सकते हैं या पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं और इसमें एक इस तरह से निशान लगा सकते हैं, जैसे कि हम निशान लगा के दिखा रहे हैं आपको, मेरे ख्याल से आपको दिख नहीं रहा होगा। और इसी के ठीक ऊपर हमें इस तरह से इसमें निशान लगाना पड़ेगा। ये देखिए जहाँ नीचे लगाया वहीं हमने ऊपर लगाया है। हमें क्या करना है, हमें इस वाले डॉट से इस वाले डॉट पे जाना है। तो ये हमारी वर्टिकल लाइन आ जाएगी और पीछे की तरफ हमें इस लाइन पे निकलना है। ठीक है, फिर हमें सेकंड उस पर क्या करना है, इस लाइन पे बिन पॉइंट पे हम निकलेंगे तो हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जाएंगे। ये इस तरह से ठीक है, ये देखिए क्लियर आया। इसी तरह से हम इस वाले थर्ड पॉइंट पे निकलेंगे
और ये देखिए इस वाले पॉइंट पे जाएंगे, तो हम इस पॉइंट पे जाएंगे तो ये देखिए इस तरह से तिरछी लाइन बन जाएगी और पीछे की तरफ ये सीधी आएगी, मतलब यहाँ पे निकलेंगे तो पीछे ये स्ट्रेट लाइन आएगी। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए जब हम करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये हो गया आपका टेढ़ा कच्चा। अब हम आपको तीसरा बता रहे हैं थ्रेड मार्का। थ्रेड मार्का के लिए हमें क्या करना है, हमें दो कपड़े लेने हैं ऐसे और ऐसे, जहाँ पे हमें निशान लगाना होता है। मान लीजिए हमें कोई कमर का सेप देना है, ये चेस्ट का, ये कमर का, इधर ये हिप का सेप है, यही निशान हमें सेम यहाँ पे भी चाहिए ताकि हम पीछे भी सिलाई कर सकें। तो हम क्या करेंगे, अब चूंकि या तो हम चौक से ऐसे करें तो वो तो आएगा नहीं, ठीक है, तो हम इसके लिए जब मोटे कपड़े होते हैं जिनमें कि निशान नहीं उतरता है, ये तो कॉटन है इस पर तो उतर जाएगा, तो हम क्या करेंगे थ्रेड मार्कर का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम जैसे हमने कच्चा किया था उस तरह से टाके लेंगे। सबसे पहले देखिए हमने ये एक स्टार्ट करने के लिए हमने ये लिया, ये हम इसमें गांठ बांध लेंगे, ये देखिए ये हमने लिया। अब हम जैसे कच्चा कर रहे थे वैसे हम इधर से जाएंगे और इधर निकाल देंगे ये, लेकिन हम इसको पूरा खींचेंगे नहीं, ये इस तरह से तिरछा ही रहेगा, मतलब ढीला रहेगा सॉरी, ठीक है। फिर ये हमने किया, ये देखिए ये भी ऐसे ढीला छोड़ दिया, इसी तरह से ये ऐसे किया, ये देखिए ये भी हमने ढीला छोड़ दिया। फिर हम ये ऐसे करेंगे, इस तरह से हम ये इसको, ये देखिए इस तरह से हमने ये ढीला छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको खींचेंगे तो ये देखिए ये अपने आप ये धागे इधर ये ढीले आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अभी हमें इसे कट कर देना है बीच से, ये देखिए ये हमने कट कर दिया, ये देखिए इसमें भी हमारा निशान मिल गया, इसमें भी हमें निशान मिल गया। अब हमें क्या करना है, बस चौक से इसको ये निशान लगा लेना है, तो ये हमारे सेम चीज़ पे निशान आ जाएगा, जैसा निशान इधर आया है वैसे ही निशान इधर आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं थ्रेड मार्का, ठीक है। इसका यूज़ दो कपड़ों में या दो से ज़्यादा कपड़ों में सेम निशान उतारने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया टेम्परेरी स्टिच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको परमानेंट स्टिच के बारे में बताएंगे। ओके।